अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आप देख रहे हैं मेरा चैनल फोर टिप्स एंड ट्रिक्स और आज जो मैं आपके पास वीडियो लेके आई हूँ वो है पीयर्स एंड इट्स हेल्थ बेनीफिट जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं आजकल जो सीज़न है वो हमारे पास पेयर्स का है और ये हैं भी इजीली अफोर्डेबल फ्रूट तो चलिए बात करते हैं इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन पे इंट्रोडक्शन में है कि ये फ्रूट जो है वो ईजीली जो नॉर्मली फ्रेश खाया जाता है और इट हैज़ बीन द पार्ट ऑफ ईस्टर्न मेडिसन फ्राम सेंच्रीज ईस्टर्न मेडिसन के तौर पे ये सदियों से यूज़ हो रहा है और वो क्यों यूज़ हो रहा है वो इसलिए क्योंकि दिस डिलीशियस फ्रूट इज़ पैक्ड विद वाइटामस एंड मिनरल्स लो इन कैलोरीज एंड हाई इन वर्साटिलिटी ये फ्रूट आपके पास वर्सेटाइल वर्साटाल है वो वर्सेटाइल क्यों है वो इसलिए क्योंकि एक तो ये कि ये वाइटामस मिनरल्स के साथ रिच है और इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये लो होता है कि इसमें आपके पास कैलोरीज में लो होता है इन इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर आप अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ साथ ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल रखता है उसके बाद हम बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में वीयरस आपके पास जो एक मीडियम साइज़ पियर है यानी कि एक पाम साइज़ पियर जो आपके पास एक सर्विंग के बराबर है उसमें व, वो जो है आपके पास हंड्रेड ग्राम्स का होता है और उस उन हंड्रेड ग्राम्स में हमारे पास जो है वो सत्ताईस ग्राम पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट सत्रह ग्राम आपके पास शुगर पाई जाती है फ़ाइव पॉइंट फाइव टू ग्राम आपके पास फाइबर है जो कि एक बहुत ही एम्पल अमाउंट ऑफ फ़ाइबर है किसी भी फ्रूट में उसके बाद इसमें आपके पास पाए जाते हैं ज़ीरो पॉइंट सिक्स सेवन सिक्स ग्राम प्रोटीन अफ्योर्स प्रोटीन जो है हमारे पास वो एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है जो हमारे पाँव से लेके नाखूनों नाखनों तक हमारे पाँव के नाखनों से लेके सर के बाल तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीनस ये हमारे जो है वो ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए बॉडी के फंक्शंस के लिए और हमारी ग्लोइंग स्किन के लिए प्रोटीन जो है हमारी हमारे जिसम का जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है और ये इसमें जो है वो बहुत ही अच्छी अमाउंट में पाया जाता है किसी भी फ्रूट में एज कम्पेयर टू अदर फ्रूट्स तो उसके बाद जो है हमारे पास रिच होता है किसमें विटामिन वाइटामिन में वाइटामस में जो मेजर वाइटामस हैं उनमें वाइटामिन ए वाइटामिन सी और वाइटामिन के इनके बेनिफिट्स जो है हम वो नेक्स्ट देखेंगे और इसके बाद जो है ये किस में आपके पास रिच होता है मिनरल्स में मिनरल्स जो हैं आपके पास वो आपकी स्किन के लिए और अदर मैनी न्यूमरस फंक्शन ऑफ बॉडी को परफॉर्म करने के लिए उनकी इनिशिएशन के लिए बायोकेम केमिकल रिएक्शन की आपके पास बहुत ज़रूरी है उसके पास जो है हम बात करते हैं पीयर्स के सोर्स ऑफ विटामिन ए का जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पीयर्स यानी कि नाशपति जो है हमारे पास रिच होते हैं विटामिन ए कंटेंट में ये जो है मोस्ट वर्सेटाइल न्यूट्रिएंट फॉर स्किन है हेयर है एंड नेल ग्रोथ के लिए ये आपके पास जो है आपके बालों की आपके नाखनों की और आपके जो है वो स्किन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है आपकी ग्लोइंग स्किन में हेल्प करता है क्योंकि विटामिन ए और विटामिन सी कंटेंट जो है पीयर्स का वो आपके पास आपकी स्किन को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है और उसके बाद इसका जो है ज़िया जेंथिन कॉन्टेंट और ल्यूटिन कॉन्टेंट जिया जेंथिन जो है हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपको आपकी आइज़ को प्रिवेंट करता है किससे सनलाइट डैमेज से उसके बाद ये क्या करते हैं आपके पास रिड्यूस द रिस्क ऑफ एज रिलेटेड डिग्रेडेशन रिएक्शंस उसके बाद आपके पास जो ल्यूटीन है वो क्या करता है आपकी जो बॉडी में इन्फ्लामेशन है उसको सप्रेस करता है वीअर्स इन्फ्लामेशन जो है हमारे पास वो मेन काज है हमारी बॉडी में किसी भी किस्म की डिजीज़ के लिए और ये जो ल्यूटीन है ये रिच होता है उसमें आपको सप्रेस करता है आपकी इन्फ्लामेशन को उसके बाद ये इन्हांस करता है आपकी विजन को जी हाँ आपकी आइज़ की हेल्थ के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो आपको सनलाइट आपकी आइस के सेल्स को मेंटेन करता है उनको प्रिवेंट करता है सनलाइट डैमेज से और उसके बाद जो है वो सप्रेस करता है इन्फ्लेमेशन को और उसके बाद जो है ये आपकी अगेन स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि ये रिड्यूस करता है आपकी एज स्पोर्ट्स को एंड रिंकल्स को उसके बाद हम बात कर लेते हैं पोटाशियम कंटेंट ऑफ पीयर्स की पीयर्स जो है वो रिच होते हैं जिसमें आपके पास पोटाशियम है और पोटाशियम जो है वो आपके पास एक्ट कर, एक्ट करता है एज रेगुलेटर रेगूलेटर वेजुडाइलेटर वेजुडाइलेटर जो है वो हमारे पास जो है वो लोअर करता है बीपी बीपी को लोअर करता है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्रोविजन को जो है वो इन्हांस करता है जब हमारे पास हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है तो हमारी जो हमें मसल वीकनेस फील होती है और जो हमें जो हर वक्त जो है वो सुस्ती कह लें उससे जो है हमें वो निजात हासिल होती है और उसके बाद क्या है कि इम्प्रूव करता है हमारी मसल फंक्शनिंग को और रिच है किस फाइबर में फ़ाइबर अगेन जो है आपके पास वो हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके बाद जो है ये कीप्स हार्ट हेल्थ हेल्दी ओवरऑल ये जो है वो आपकी हार्ट हेल्थ को हेल्दी रखता है मेंटेन रखता है और उसके बाद जो है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ऐसा फैक्टर जो आजकल हमें बहुत ज़्यादा जिसकी हमें ज़रूरत है कोविड नाइन्टीन के दौर में वो है अम्यून सिस्टम हेल्थ जी हाँ इम्यून सिस्टम की हेल्थ को जो है वो मेंटेन रखता है और प्रिवेंट करता है इसको इन्फ्लेमेशन से क्योंकि रिच होता है कि इसमें हमारे पास फाइबर में और प्रिवेंट करता है हमारे पास इन्फ्लेमेशन को उसके बाद जो है कीप्स इम्यून सिस्टम हेल्दी पियर्स uh, का जो है हमारे पास एंटी कंटेंट जो है वो हमारे पास इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और क्या करता है हमारी अम्यून सिस्टम की हेल्थ को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है उसके बाद क्या करता है रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने से मुराद ये है कि हमारी बॉडी में जब हम मेटाबॉलिज्म uh, की जो स्पीड है उसको मेनटेन करता है हमें हेल्प करता है कि हम अपने नॉर्मल बॉडी वेट को मेनटेन कर सकते हैं और उसके बाद जो है ये आपके पास लोड करता है प्लाज्मा लिपिड्स को अगेन इट इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज रिलेटेड टू मेटाबोलिज्म और लोअर एक्सप्रेशन uh, करते हैं हमारे पास लोअर प्लाज्मा लिपिड्स की तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब uh, करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू हाफिज़